बिटकॉइन का प्राइस लास्ट कुछ वीक से 20,000 के अराउंड ही कंसोलिडेट कर रहा है। 17,500 का लो लगाने के बाद से बिटकॉइन ने अभी तक इसे फिर से टेस्ट नहीं किया है। 69,000 के ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन 70% के अराउंड तक करेक्ट हो चुका है, जिस वजह से बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट में से निकल गए हैं। बट इस बियर रन के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है दोस्तों। वेल्स इस बियर रन में ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन लोअर प्राइस पर खरीद रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट डाटा शो कर रहा है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, वेल्स आर बाइंग 1,40,000 बिटकॉइन ईच मंथ डायरेक्टली फ्रॉम एक्सचेंजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, वेल बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, और ग्लास नोड का कहना है कि 1,40,000 बिटकॉइन हर मंथ वेल्स बाय कर रहे हैं। ये 1 जुलाई का आर्टिकल देखिए डीक्रिप्ट वेबसाइट पर। एज बिटकॉइन क्रैशेज डाटा शोज वेल्स आर बाइंग द डिप। ऑन चैन डाटा इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन क्रैश में वेल्स ने बिटकॉइन बाय किया है। करंटली बिटकॉइन का प्राइस 22,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 69,000 के ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन 70% के अराउंड तक करेक्ट हो चुका है। इस क्रिप्टो क्रैश में छोटे इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन मार्केट में लिक्विडेट कर दी है, मतलब बिटकॉइन सेल करके निकल गए हैं। मतलब जो छोटे रिटेलर इन्वेस्टर थे वो मार्केट को सेल करके निकल गए हैं। इसके अपोजिट जिनके पास 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, उन्होंने अपने बिटकॉइन सेल नहीं किए हैं। चार्ट पर आप देख सकते हो, जब भी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और जब बिटकॉइन अपने टॉप के पास होता है, तब वेल्स सेल करते हैं बिटकॉइन को। इसी साल 2022 में आप देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट चल रही है, बट वेल्स बिटकॉइन बाय कर रहे हैं डिप में। अब इस चार्ट में आप और क्लियरली देख सकते हो, जो येलो लाइन है वो शो कर रही है टोटल कितने बिटकॉइंस वेल के पास है, और इसमें वही वॉलेट इंक्लूड है जिनके पास 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है। और इस चार्ट पर आप क्लियर पैटर्न देख सकते हो वेल्स की एक्टिविटी का, और ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि वेल्स एग्रेसिवली बिटकॉइन खरीद रहे हैं लोअर प्राइस पर, और वेल्स टोटल 8.69 मिलियन बिटकॉइन खरीद चुके हैं। अब देखते हैं श्रिम्प क्या कर रहे हैं इस बियर रन में। जिनके पास एक से कम बिटकॉइन है दोस्तों, उन्हें श्रिम्प कहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिनके पास एक से भी कम बिटकॉइन है यानी कि श्रिम्प्स 2020 मार्च के बाद से सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं अपने वॉलेट में। श्रिम्प्स इन्वेस्टर्स 37,000 के अराउंड बिटकॉइन हर मंथ ऐड कर रहे हैं अपने वॉलेट में, एंड राइट नाउ श्रिम्प्स ने 1.12 मिलियन बिटकॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों एल सेल्वाडोर पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एल सेल्वाडोर वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने भी 90,000 के प्राइस पर 80 बिटकॉइन खरीदे हैं। कुछ लोग कहेंगे 80 बिटकॉइन बाय करना वो भी किसी कंट्री के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इससे बिटकॉइन के प्राइस पर भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट आप इस बात को समझिए कि बहुत सारी कंट्रीज बिटकॉइन को वॉच कर रही है, और साथ में एल सेल्वाडोर कंट्री को भी, लाइक रशिया, चाइना, अमेरिका, इवन IMF की नज़र भी बिटकॉइन पर बनी हुई है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई कंट्री इस बियर रन में बिटकॉइन खरीद रही है। अगर आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, और अगर आपको जानना है सबसे बेस्ट इंडियन एक्सचेंज कौन सा है तो आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम बिटकॉइन के बाद सबसे डोमिनेटेड क्रिप्टो करेंसी है। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए दोस्तों, FB पर NFTs लॉन्च हो गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये कैसा होने वाला है। हम सभी जानते हैं फेसबुक से बड़ा कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, और अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल रहता है तो आप समझ सकते हो इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है, ऑब्वियसली इथेरियम को ही। इसके अलावा 2.5 मिलियन इथेरियम बर्न किए जा चुके हैं, जिनकी टोटल वैल्यू बनती है 2.5 बिलियन डॉलर के राउंड। ये भी एक गुड न्यूज़ है दोस्तों इथेरियम इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बर्निंग की वजह से इथेरियम की सप्लाई में कमी आएगी। एंड इन नियर फ्यूचर कई सारे अपडेट इथेरियम ब्लॉकचेन पर हमें देखने को मिलेंगे, जिससे इथेरियम ब्लॉकचेन को स्केल करने में हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों ये सभी न्यूज़ एंड डाटा शो कर रहे हैं कि जो भी बिग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बिटकॉइन बाय किए हैं, यानी कि वेल्स एंड छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास एक से कम बिटकॉइन है श्रिम्स, सभी बिटकॉइन नीचे के लेवल पर बाय कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो वो एक साइकिल में ही चलता है। इससे पहले हम बुलिश फेस में चल रहे थे दोस्तों, और राइट नाउ हम बेयरिश फेस में चल रहे हैं, बट उसके बाद कंसोलिडेशन फेस भी आएगा, जिसके बाद फिर से हमें क्रिप्टो करेंसी में बुल रन देखने को मिलेगा।
इसलिए दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो इस टाइम पे बिटकॉइन बाय कर रहे हैं नीचे के लेवल पर। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड लास्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।